नमस्कार दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसको बोलते हैं चर्बी की गांठ या मांस की गांठ या मेडिकल टर्म में बोलेंगे लिपोमा। अब लिपोमा है क्या, इसके क्या कारण है और इसके क्या लक्षण है, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मेरी वीडियो का होम्योपैथिक मेडिसिन। मात्र 3 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसके लेने से 1 महीना या 2 महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लग सकते हैं आपके शरीर में जो चर्बी गांठ कितनी भी गांठ हो और कितनी भी साल पुरानी गांठ हो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं डॉक्टर सचिन तोमर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अब बात करते हैं कि जो लिपोमा है क्या। देखिए, जो हमारी ये स्किन है इसके जो ऊपर लेयर है, अपर लेयर है, और इसके नीचे जो मसल्स है उसके बीच में जो गांठ होती है उसको हम चर्बी गांठ कहते हैं। यानी कि मतलब है अपर लेयर और अपर लेयर के नीचे जो मसल्स है उसके बीच में गांठ होती है। अब बात करेंगे कारणों की। देखो, कारण तो इसके ऐसे कोई स्पेशल कोई लिखा नहीं है कि यही कारण है, लेकिन मैक्सिमम ये देखा गया है कि इसका जो मैक्सिमम कारण है वो जेनेटिक होता है। यदि आपके मदर में, फादर में, या मतलब कहीं भी आपके उसमें किसी के गांठ है तो उसमें होने के ज़्यादा चांसेस ज़्यादा हैं। इसमें ऐसा कोई फिक्स कारण इसमें नहीं है, आज तक भी ऐसा कोई अननोन रीजन कह सकते हैं हम इसका, लेकिन ज़्यादातर देखा गया ये जेनेटिक होती है। अब बात करेंगे लक्षणों की, सिम्टम्स की, कि आप उसको कैसे पहचानोगे कि ये मांस की गांठ है या नहीं है। देखो, सबसे पहले तो ये बहुत मुलायम होती है, जो ये गांठ होगी मुलायम होगी, और यदि आप इसको हाथ लगाओगे तो ये मूव करेगी, मतलब ये हिल जाएगी, मूव करेगी। थर्ड है, इसके अंदर पेन नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होता। दर्द तब होता है इसके अंदर जब ये जो गांठ है वो नस के ऊपर हो जाए, नर्व के ऊपर हो जाए, तो तब तो इसमें पेन होता है नहीं, लेकिन मैक्सिमम की इसमें देखा गया है कि इसके अंदर कोई दर्द नहीं होता है। ये सिंपल सा इसके डायग्नोस है, आप इसको कर सकते हैं। और ये हर एज के उसमें होती है, ऐसा नहीं है कि ये मेल में भी होती है, फीमेल में भी होती है, हर आयु के वर्ग के आदमी में ये होती है, लेकिन ये बच्चों में कम पाई जाती है। मतलब देखा जाए तो ये एडल्ट में ज़्यादा होती हैं, बच्चों में कम होती है, मेल में भी होती है और फीमेल में भी होती है। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला था होम्योपैथिक मेडिसिन। 3 होम्योपैथिक मेडिसिन है, आप इसको नोट कर लीजिए। पहली मेडिसिन है लैपिस एल्बा, और लैपिस एल्बा आपको 30 में लेनी है, लैपिस एल्बा 30 में लेनी है। सेकंड मेडिसिन है थूजा, थूजा भी आपको 30 में लेनी है, और आपको इनको यूज कैसे करना है, दोनों मेडिसिन की दो दो बूंद सीधा आपको जीभ पर डालनी है, मतलब सीधा टंग पर डालनी है, दिन में 3 बार। जो थर्ड मेडिसिन है वो है कैल्केरिया फ्लोर, और जो कैल्केरिया फ्लोर है वो आपको 6x में लेनी है, और इसको 4-4 गोले दिन में 3 बार। कैल्केरिया फ्लोर की पहली मेडिसिन लैपिस एल्बा, सेकंड मेडिसिन थूजा, और थर्ड मेडिसिन कैल्केरिया फ्लोर 6x में, इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार लेनी है। और आप इसको देखना 2 महीने, देखो रिजल्ट तो 15 दिन में ही आ जाएगा इन मेडिसिन के, तब भी आप इसको थोड़ा कंटिन्यू कर लीजिए, 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीना। जब आपको लगे कि बिल्कुल ठीक हो गई, कोई गांठ नहीं रही, तो आप मेडिसिन बंद कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि एक बार गांठ खत्म होने के बाद, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन है जो रोग है जड़ से खत्म करती है, एक बार ठीक होने के बाद मुझे उम्मीद है वो दोबारा नहीं होगी। तब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर अपना मैसेज टाइप करके भेज दीजिए, जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। हो सकता है मैं थोड़ा लेट हो जाए, 1 दिन, 2 दिन या 4 दिन, पर मैं आंसर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।